हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी शाम के 7:07 हो रहे हैं। घड़ी देखो। अच्छा लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 7:07 हो रहे हैं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शाम हो गई है, दिन की ड्यूटी थी है। एज यूजुअल रोज़ मुझे ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। अब तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि शिफ्ट में मुझे कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी इवनिंग ऐसे जाना होता है, बट इवनिंग जो है मेरी ड्यूटी कम ही लगती है। तो बस अभी घर में घुसी हूँ और चाय बनाई है और चाय लेके मैं आ गई हूँ। मुझे लगा कि अब इसके बाद से और क्या करूँगी मैं, कुछ करने के लिए इतना खास तो होता नहीं है। अब 7-8 के बाद रात में काम करने के लिए क्या होता है, कुछ भी नहीं है। तो हमने कहा कि भाई, अपने आप सबके कमेंट्स पढ़ रही थी तो मैंने कहा सबके कमेंट्स ही पढ़ती हूँ और आप सबको बताती हूँ। बहुत सारे हमारे साथी हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम भी लिया जाए और बाकी के दूसरे साथियों को बताया जाए। तो आज वाला जो है, मतलब ये जो वीडियो मैं बनाऊंगी ये तो कल आप सुबह 11 मिलेंगे और तब देखेंगे, लेकिन आज जो सुबह वीडियो गया था उसमें हमारे बहुत सारे साथियों के कमेंट आए हैं। और कितने कमेंट मुझे दिख रहे हैं, 26 कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और कोशिश करूँगी कि जितने हमारे कमेंट्स हैं सबके नाम जल्दी जल्दी ले करके मैं बता दूँ। एक सवाल हमारे बहुत एक साथी हैं, उनका नाम हो सकता है आगे आ जाए, कि वो पूछ रहे थे कि सरिता आप कहाँ जॉब करती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, या किस सेक्शन में काम करती हैं। मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करती हूँ। साथी, आपका नाम अगर आप आगे आएगा तो मैं ज़रूर बता दूँगी और मैं वहाँ आरजे हूँ। और ये मेरा जो फर्स्ट ब्लॉग था, जो फर्स्ट ब्लॉग करके एक हमारा जो सबसे पहला इस चैनल पर मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने अपना परिचय दिया था। खैर, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया। अब मैं सबसे पहला, मतलब सबसे अंत में जो है 4 पहले मेरे पास जो कमेंट आया है, मधु गुलाटी जी का, कहती हैं आपकी बातों से मुझे हौसला मिलता है। शुक्रिया मधु जी। उसके बाद सुजाता जोशी जी कहती, सरिता जी आपका हंसता चेहरा देख के बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा से आपके जैसी पॉजिटिव थिंकिंग वाली फ्रेंड चाहती थी, लगता है आपके रूप में मुझे मिल गई है, आपको देखकर काम करने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स मैडम सुजाता, वेलकम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे सचमुच में। और इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। जब रिश्ते बनते हैं ना, तो उसमें बहुत उतार चढ़ाव आता है और ना चाहते हुए भी रिश्तों को आपको निभाना पड़ता है। लेकिन दोस्ती एक ऐसा जज्बा है, ऐसा रिश्ता है जिसमें कि आप अपने खुद से चॉइस करते हैं कि ये मेरा दोस्त है या ये मेरा दोस्त नहीं बन सकता है। जब तक चाहें आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और मेरी तरफ से वादा है सुजाता जी कि मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी रहूँगी। अगला जो है वो रत्नमणि नैना जी का है, लिखती हैं यू आर इनक्रेडिबल सरिता जी, थैंक यू सो मच। रत्नमणि जी, कुमारी पूनम है, नमस्ते मैम, और बहुत अच्छा से इन्होंने लिखा है। मैं पहले सबका पढ़ लेती हूँ और उसके बाद ही मैं लेकर के आती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने, घर हो या ऑफिस हो, बहुत बड़े चुप रहने से सारे काम हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को देखा है, क्योंकि बात निकलेगी तो वो दूर तलक जाएगी वाली बात होती है। एक बात के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बातें निकलते चली जाती हैं और बात इतना मैंने देखा है कि एकदम से फैमिली मेम्बर्स में, रिलेटिव्स में गर्मा गर्मी इस बात को लेकर के होने लग जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुप रह जाने में ही ज़्यादा भलाई है। रानी अवस्थी जी, हर बार की तरह नमस्ते सरिता जी, हर बार की तरह आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू रानी जी। रजनी ज्वाल जी हैं, इनका ब्लॉग है अपना शायद, आप सोती कब हैं, ये सवाल मुझे भी पूछते हैं सब, आज वही सवाल आपसे भी पूछने का मन कर रहा है। मेरे हस्बैंड शुरू से अखबार की नौकरी में थे, सूर्योदय और सूर्यास्त कभी देखा ही नहीं, मेरा भी सोने का कोई वक्त नहीं था। जब मुझे भी सब कहते कि तुम सोती कब हो, अब पति रिटायर हो गए हैं, सब रूटीन में आ गया है, आप भी रिटायर होने के बाद खुद को और हमें ज़्यादा समय दे पाएंगे, बिल्कुल ही दे पाऊँगी। और रजनी, मैं तो कोशिश करती हूँ कि अभी भी मैक्सिमम आप सबको समय दे पाऊँ और देने की कोशिश करती रहती हूँ। अनवरी हैदर जी लिख रही हैं, नाइस ब्लॉग मैम, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जगह, कई जगह चुप रहना बेहतर होता है। हाँ जी अनवरी जी, शुक्रिया। और ये है राघव बी, सरिता मैम, बस इतना ही लिखा है इन्होंने और बड़े प्यार से नमस्कार लिखा है। तो नमस्ते राघव जी, बहुत अच्छा लगा।
कभी कभी एक शब्द में बहुत सारी बातें जो है इंसान कह जाता है। ये समझने वाले के मन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि समझने वाला जो है वो आपको किस तरह से लेता है और किस तरह से समझता है। राघव, मुझे एहसास हो रहा है। नमस्कार आपको। पलविंदर जी हैं, गॉड ब्लेस यू मैम लिखते हैं, थैंक यू सो मच पलविंदर जी। शीला जी हैं, शीला लर्निंग होम कुछ इनका लगता है ब्लॉग है, मुझे आपको देखकर काम करने का मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू शीला जी, हमेशा आपका कमेंट आता है, हर हर ब्लॉग में आता है। वीरेन पी हैं, हाय मैम, नाइस टू सी योर वीडियो, वेरी इंस्पायरिंग, बेस्ट द बेस्ट। थैंक यू सो मच वीरेन, बहुत अच्छा लगता है आप जैसे लोग जब इतना मोटिवेट करते हैं मुझे। तो रेशमा जी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, नाइस वीडियोस मैम, थैंक यू रेशमा जी। प्रियंका, रियल ब्लॉग है इनका, वेरी नाइस ब्लॉग लिखती हैं, थैंक यू सो मच प्रियंका। माय स्वीट होम भी ब्लॉग है, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। शिखा चिकारा जी हैं, नाइस ब्लॉग मैम लिखती हैं। आर्टी क्राफ्टी क्रिएटिविटी, ये बहुत अच्छा लगा नाम भी मुझे, इनका भी ब्लॉग है। और मैं अपने जितने भी साथी हैं सबके ब्लॉग का नाम मैं ले लेती हूँ, अगर आप सबको समझ में आए तो देखिएगा, जाइएगा। और बहुत सारे हमारे साथी कहते हैं कि प्लीज़ मुझे प्रमोट कर दीजिए, मैं उन सबसे अभी यही कह रही हूँ कि अभी तो मैं खुद ही बिल्कुल पाँव पाँव चलना सीख ही रही हूँ, और मेरी कहाँ इतनी औकात अभी है कि मैं आप सबको प्रमोट करूँ। फिर भी मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, और आपका नाम तो मैं लेती ही रहूँगी इसलिए ले लेती हूँ। सरदा जी, आप मेरे माँ जैसी लगती हैं, उनका नाम सविता है, मुझे आप के बातों को सुनना अच्छा लगता है, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। थैंक यू आर्टी क्राफ्टी क्रिएटिविटी माँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बेटे के, मेरी बेटी के सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब मुझे ज़्यादातर इसी तरीके से मेरे साथ ट्रीट करते हैं, और मैं उनके साथ ऐसा ही ट्रीट करती हूँ। मुझे लगता है कि सबको मैंने ही जन्म दिया है। थैंक यू सो मच बेटा। किरण बालकनी गार्डन है, आपका रेस्ट जरूर होना चाहिए। हाँ, कहती है कि आप दिन में एक बार मतलब रेस्ट ज़रूर किया करें। थैंक यू किरण जी, ज़रूर मैं कोशिश करूँगी। इंडियन ब्लॉगर भारती जी का भी कमेंट आया है, थैंक्स दीदी, आपने टाइम निकाल कर अपना कप हैंगिंग दिखाया, मैं भी सोच रही हूँ टी कॉर्नर जैसा कुछ करवाऊँ। बिल्कुल करवाइए भारती, अच्छा लगेगा, और कुछ कुछ करते रहना चाहिए। इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, बस सोचने भर की देर होती है, और सिर्फ सोचते रहेंगे तो नहीं होगा, है ना। सोचने के बाद उसको करने के लिए, उसको अमल में लाने की भी ज़रूरत होती है। आगे हैं गुरप्रीत कौर जी, नाइस ब्लॉग, क्या आप रेडियो स्टेशन में काम करते हैं? हाँ गुरप्रीत जी, मैं रेडियो स्टेशन में काम करती हूँ। हो सकता है आपने मेरा कभी प्रोग्राम सुना होगा, लाइव प्रोग्राम मेरा आता था, स्पॉट वगैरह में भी मेरी आवाज़ आती है। आजकल इन दिनों न्यूज़ जो आता है, नेशनल न्यूज़ आता है, उस न्यूज़ के बीच में भी आता है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड वो स्पॉट जा रहा है। अनीता गौर जी, हेलो मैम, आप दिल्ली से हो, प्लीज़ शेयर द कविता वंस अगेन, आई एम न्यू टू योर ब्लॉग। अच्छा अनीता, आप वो पिछला वाला मेरा ब्लॉग देख लीजिए ना, और आगे अगर नई कविताएं आएंगी मेरे पास कुछ ऐसा, तो मैं ज़रूर आपको पढ़ के सुनाऊँगी। अगर कोई ख़ास कविता आप सुनना चाहती हैं मेरी ज़ुबान से, मेरी आवाज़ में, तो वो कविता आप मुझे भेज सकती हैं, मैं पढ़ के आपके लिए ज़रूर वो डालूँगी। माई सुपर लाइफ स्टाइल, ये क्या लिखती हैं, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, मैं आपका वीडियो देखती हूँ, मुझे अच्छा लगा और आपने मुझे फीडबैक दे दिया करो। अच्छा ठीक है, माय सुपर लाइफ स्टाइल आपका भी ब्लॉग है, और आपको मैं फीडबैक दिया करूँगी, बिल्कुल ही मैं आपके चैनल पे जाऊँगी। तो प्रिया पवार जी हैं, आप बहुत एक्टिव हो, प्यारी हो, मैं भी आप जैसा होना चाहती हूँ। ओ प्रिया, ऐसा जब आप सब लोग लिखते हो तो मेरा दिल भर आता है। ये सारी चीज़ें रिश्तों में कहाँ मिलती है, रिश्ते जो होते हैं ना वो सिर्फ कंपटीशन में होते हैं, है ना, ये दोस्ती में ही होता है। थैंक यू प्रिया, और बस मैं एक माँ हूँ, एक बहन हूँ, बीवी हूँ, और सबसे बड़ी मैं दोस्त हूँ। अगर आप मेरे से दोस्ती करेंगी ना, दोस्ती निभाने का ज़िंदगी भर का मेरा आपसे वादा रहेगा। बाकी रिश्तों को मैं कितना निभा पाऊँगी नहीं मालूम, पर दोस्ती वाला रिश्ता मैं ज़रूर निभाती रहूँगी, तो इसलिए आप दोस्त बने रहिए।
ओम प्रताप जी, मैम आप किस सेक्टर में जॉब करती? अच्छा, यही हैं हमारे ओम प्रताप जी। ओम प्रताप जी, सबसे पहले ही मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको जवाब मिल गया होगा, है ना। प्रिया महाजन जी, हेलो सरिता, आप दिल्ली में किधर रहते हो? अच्छा, ये फिर इन्होंने लिखा है अमित कोटवानी जी हैं आपका। 4000 आवर का वॉच टाइम हो गया होगा, क्योंकि आके 2.9 लाख व्यू है, तो अब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ अमित, मैं करूँगी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई ज़रूर करूँगी। अभी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से एक एक दिन निकल रहा है। थैंक यू सो मच अमित, इतना आपने ख्याल रखा। और बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, मतलब यहाँ सब्सक्राइबर, वो मुझे बताते रहते हैं कि आप ऐसे लिखो, ये करो। बहुत बार पहले मुझे नाम भी नहीं लिखने आता था, या फिर मैं हैशटैग कहाँ लगाना है ये मुझे नहीं पता था, तो मुझे आप जैसे जो मित्र हैं सब्सक्राइबर, वही मुझे बताते थे कि मैम यहाँ पे हैशटैग लगाओ। तो इस तरीके से मैं अपना वीडियो बनाने लगी और फिर हैशटैग वैसे ही लगाने लगी। ओम प्रताप जी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है मैम? प्यार, प्यार की डिग्री मैंने ली है, प्यार के दोस्ती में मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। चलिए ओम प्रताप जी, आपको बता देती हूँ, मैं हिंदी ऑनर्स मैंने किया हुआ है, हिंदी से मैंने पढ़ाई की हुई है। राजविंदर कौर जी है, बोल कोल ठीक, बिल्कुल ठीक हो जो बोल कोल ठीक, बिल्कुल ठीक उन्होंने लिखा है, जो मैंने कहा है ना कि बात को छोड़ देनी चाहिए, खींचनी नहीं चाहिए, तो लिख रहे हैं बिल्कुल ठीक। सुमन सिंह, इन्होंने हर बार की तरह बहुत अच्छा सा प्यार से लिखा है, लिखते सरिता जी आज आपने जो बात कही चुप रहने वाली ना, वो बिल्कुल सही कहा। कल हमने अपने घर में जो हमारी हेल्पर है उससे कुछ बोला और वो काम छोड़कर चली गई। मैंने रियलाइज़ करती हूँ कि आप सही भी रहो फिर भी चुप रहे। सरिता जी, मैं अपनी कविता आपके लिए भेजूँगी इंस्टा पे या फेसबुक पर, और आप उसे पढ़ देना। ज़रूर पढ़ूंगी सुमन जी, मैंने आपसे वादा किया है, आप कविता भेज के तो देखिए, मैं पढ़ के ज़रूर डालूंगी, ब्लॉग में ही डालूंगी, ताकि आपके साथ साथ हमारे और भी साथी सुन सकें आपकी लिखी कविता। गार्डन वर्क, हमारी एक फ्रेंड है, सब्सक्राइबर मित्र हैं, इनका चैनल है शायद गार्डन वर्क लिखती अच्छा चलिए, आपकी ये बात मैं यहाँ पर बोल नहीं सकती, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी आप कह रही हैं प्रमोट करने के लिए, तो अब इतना तो मैंने कह दिया है, हमारे साथी ज़रूर वहाँ जाएंगे, देखेंगे। और सचमुच में अभी इस ब्लॉग में तो मेरी सचमुच में कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं दूसरों से सिफारिश करूं कि कोई एक किसी दूसरे मित्र का जा कर के चैनल देखे और सब्सक्राइब करे। अभी तो मैं अपने लिए सिफारिश कर रही हूँ कि हाँ, अभी कही लेती हूँ कि अगर अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए अब आगे, आखिरी मेरे पास एक कमेंट बचा है, आरती जडॉन है शायद, आई थिंक, है ना, मैंने सही बोला आरती आपका नाम? अगर नहीं बोला है तो फिर आप बता दीजिएगा, मैं फिर सही बोल दूंगी नेक्स्ट टाइम। सही है, सर्विस वाले ऐसे ही होते हैं, नेवर माइंड, बिल्कुल ही बिल्कुल माइंड नहीं करती आरती, मुझे अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो मुझे व्यस्त रहना यानी बिजी रहना अच्छा लगता है। बस इतने कमेंट्स थे आज, मैंने सारे पढ़ दिए और ये कमेंट्स पढ़ने में ही ब्लॉग पूरा हो गया है। चाय मेरी वही की वही रह गई, ठंडी हो गई, अभी इसे गर्म करूँगी, कपड़े चेंज करूँगी और फिर किचन में कोई खास काम नहीं है। तो इतनी सारी बातें हो गई आप सबसे, अब मैं जाती हूँ प्लीज़, नहीं तो आप सब जो है बंद कर दोगे अपने मोबाइल को या जहाँ भी देख रहे हो, है ना, बंद मत करना। सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कल मिलते हैं वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं हमारे और आपके सिवा। बाय बाय, गुड नाइट।